दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन ऊब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं, मैं उसे दुख समझता हूँ। राजपाट, धन दौलत, ये सब जंजाल ही तो है। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं और आपकी सेवा करूं और भगवान का भजन कर जीवन के बाकी दिन बिताऊं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान, मैं दूर देश से आ रहा हूं, कुंदन देश का राजकुमार हूं, जैत सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकूंगा। इस पर जयसिंह ने घबरा कर उनसे पूछा, भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे निराश ना कीजिए। बतलाइए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं आपका शिष्य बन सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण होने चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिताजी के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेल जोल बढ़ाने लगा। तुम ये बात बर्दाश्त ना कर सके तो तुमने उसे घृणा की और उस बेचारे को अपने मित्र से मित्रता ना करने दी। सोचो तो वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था, इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखित होकर वह वहाँ से चला गया। अब तुम्हारे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बात, तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे, बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई, पर तुम ना पसीजे, तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुम्हारे दुखी रहती है और घृणा करती है। जो आदमी आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता, वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी रह सकता है? जयसिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज्य वापस लौट गया। जयसिंह ने पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लोगों ने जयसिंह को धूमधाम से राजा बना दिया। जयसिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। जैत सिंह को बुद्ध देव की बातें याद आने लगी। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा कर लिया। पहले तो उसने उस आदमी को अपने राज्यसभा में बुलाया, फिर अपने अपराध की उससे क्षमा मांगी और उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करवा दी। फिर जयसिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम से आदर से अपने पास रखा। जयसिंह के ये काम देखकर कुछ मतलबी नाराज हो गए और जयसिंह ने उनकी नाराजगी की जरा भी परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे। तब वह लोग जयसिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा कि राजा बनने के योग तो
आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार हैं। जयसिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब सब लोगों की सलाह ले अराधन नामक एक क्षत्रिय को जयसिंह की हत्या करने का काम सौंप दिया। जयसिंह को भी यह मालूम हो गया कि उसके दरबार में लोग उसे मारना चाहते हैं। वह ना तो डरा और ना ही अपनी रक्षा का कुछ प्रबंध किया। एक दिन जयसिंह ने देखा कि एक आदमी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही जयसिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपटकर राजा पर वार किया, पर इसी समय राजा के उसी मित्र तथा दूसरे मित्रों ने बिजली के समान पर लपक कर हत्यारे को पकड़ लिया और राजा साहब बच गए। जयसिंह ने उस हत्यारे से उसका नाम पूछा। वह हत्यारा बोला, अराधन। जयसिंह ने हत्यारे से पूछा, अराधन, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अराधन ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हो। आप मेरी ही नहीं, राज्य भर की हंसी हो रही है। जयसिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है, इस पर तो दया करनी चाहिए। तब जयसिंह ने सभी लोगों से कहा कि आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले जाइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जयसिंह ने अराधन से कहा, अराधन, तुम मेरे भाई समान हो, हम तुम एक ही हैं। तुम्हारे अपराध पर मुझे रंज नहीं, बोलो क्या चाहते हो? यह सुनकर अराधन रोने लगा और राजा के पैरों में गिरकर बोला, महाराज, मैं पापी हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अनजाने में आपको मारने की कोशिश की है, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जयसिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। यदि जयसिंह ने अराधन पर नाराजगी और घृणा की होती तो वह अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी ना होता, उल्टा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही होता है, उससे कब कौन सुखी होता है। उसी दिन जयसिंह ने राज्य छोड़कर बुद्धदेव की शरण ले ली। नमो बुद्धाय।